एक गांव में एक गरीब ग्वाला और उसकी बीवी रहती थी। वो गरीब था लेकिन उसका मन बहुत ही साफ था और साफ सुथरा भी था। और उसके पास एक गाय थी और उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी को वो बहुत ही पसंद करता था और लक्ष्मी से ही उसका घर चलता था। लेकिन उसकी बीवी बहुत ही लालची थी। ओ लक्ष्मी, खा ले बेटा। ये क्या, यहाँ पे तुम्हारे क्या है? क्यों, दिखता नहीं है तुम्हें? अंधे कहीं के, ये इंजेक्शन है। लक्ष्मी को इंजेक्शन देने से वो हमें इससे भी ज्यादा दूध देने लगेगी। नहीं नहीं, ये सब सही नहीं है, मैं बोल देता हूँ। पड़ोसी के बहू को देखा है, कैसे मोटे मोटे सोने के हार पहनती है वो। तुम मुझे वैसा हार बना कर दे सकते हो क्या? अरे उसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? गाय बनकर जन्म लिया है तो कष्ट तो उठाना ही होगा। और सुनो, तुम ज्यादा बात मत करो और चुपचाप जाओ यहाँ से, जल्दी। अरे आज क्या बात हो गई, शाम होने को आई लेकिन अभी तक लक्ष्मी वापस घर नहीं आई। क्या हुआ, गाय क्या लक्ष्मी होती है? जाओ घर में ना बैठकर अपनी बेटी को जाकर ढूंढ कर लाओ। पता नहीं कैसा इंसान है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, उठ उठ बेटा उठ। अरे क्या हो गया लक्ष्मी, उठ बेटा। बोला था उसे इंजेक्शन मत दो, इंजेक्शन मत दो। इंजेक्शन की वजह से ही मेरी लक्ष्मी की जान चली गई। है ऊपर वाले लक्ष्मी। उसी वक्त वहाँ से एक साधु बाबा जा रहे थे। ग्वालिया को देखकर वो वहीं रुक गए। लक्ष्मी बेटा, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? बाबा बाबा, आप फिर लक्ष्मी को बचा लीजिए बाबा। अरे बेटा, जो मर जाता है उसे जिंदा नहीं कर सकते बेटा। जैसे भी हो बाबा, आप लक्ष्मी को बचा लीजिए। मैं लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सब कर पाओगे? क्या कर पाओगे बताओ? सब, मैं लक्ष्मी के लिए अपना दिल दे सकता हूँ, मैं दोनों हाथ दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। सोच समझ के बोल रहे हो ना? हाँ बाबा, मैं सोच के ही बोल रहा हूँ। आप जैसे भी हो लक्ष्मी को बचा लीजिए, मैं लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तेरा आधा शरीर गाय को दूंगा और गाय का आधा शरीर तुझे दूंगा, ठीक है? फिर तेरी गाय जिंदगी भर तेरे साथ जिंदा रहेगी, समझ गए? ये लो। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, ओ भाग्यवान। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह गाय कैसे बन गए? भाग्यवान, मेरी लक्ष्मी मर चुकी थी, मैंने लक्ष्मी को वापस जिंदा करके लाया है। अरे अरे बाप रे, गाय बनकर वापस आ गया। छी 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 छी। साधु बाबा को बोल के मैंने अपना आधा शरीर दे के लक्ष्मी को वापस मांगा है, समझे? समझे भाग्यवान, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। कितना बेवकूफ है, कैसी बुद्धि है इसकी, खुद गाय बनकर वापस आ गया। अगर गाय की चमड़ी भी ले आते तो उससे हम कुछ कमा सकते थे। अब जाओ जाओ, गाय के उस घर में तुम ही रहो। अब खबरदार खबरदार, कह दिया घर में मत घुसना तुम। ये क्या, ये तो असंभव है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। अरे सुबह सुबह इस तरह से चीख कर क्यों बुला रहे हो बताओ? अरे यहाँ आओ तो जरा। ए सुनो, मैं बहरी नहीं हूँ, मैं अच्छे से सुन सकती हूँ, तुम वहीं से बात करो। देखो देखो, मैं दूध दे रहा हूँ। हाँ, लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। इंसान कभी दूध दे सकता है क्या? अरे नहीं भाग्यवान, सही में मेरा आधा शरीर तो गाय का है ना। अरे बाप रे, तुम तो सच बोल रहे हो, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तुम बाल्टी लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ जाती हूँ, जल्दी जाती हूँ। हाँ हाँ जाती हूँ।
सारे गांव में ये बात पता चल गई थी कि इंसानी गाय अब दूध भी देती है। गांव वाले ने सोचा कि ये बात तो बहुत ही खराब बात है, और क्या, सारे गांव वाले यहां आ गए इंसानी गाय का दूध लेने के लिए, और बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई थी और झगड़ा भी शुरू हो गया। किसी ने कहा मुझे दो, किसी ने कहा मुझे दो। मुझे वो गाय का दूध चाहिए। अरे पहले मुझे दो। सब लोग चुपचाप लाइन में खड़े रहो, सबको दूध मिलेगा। दूध का दाम बढ़ा दिया गया है और अब से 20 रुपए है, ठीक है? हाँ, पहले आप इनको दे दीजिए, हम में से कोई भी आज दूध लिए बिना यहाँ से जाएगा नहीं। ग्वाले की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। इसी तरह उनका रोजगार चलता रहा। उनके गहनों के संदूक भी बढ़ते चले गए, लेकिन उनकी लालच कम नहीं हुई। मेरे गाय के सभी दूध बिकने लगे हैं। उफ, मेरे पास कितना सोना है, लेकिन मुझे और भी दूध बेचना होगा, इससे भी ज्यादा। पर कैसे? याद आया, भाग्यवान, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इंजेक्शन। भाग्यवान, अरे इससे तो मुझे दर्द होगा। अरे मुझे छोड़ दो ना। अरे तुम्हारा गहना सोना सब तो हो गया है ना, मुझे छोड़ दो। लगने दो, गाय जब बने हो तो थोड़ा दर्द तो सहना ही होगा ना, समझे? नहीं भाग्यवान, मुझे छोड़ दो। तुमको अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर मैं और सोना गहने कैसे बनाऊंगी? हाँ, थोड़ा सा दर्द सहन कर लो। साधु बाबा मुझे बचा लीजिए। बाबा क्या हुआ? मेरी पत्नी का अत्याचार मैं और नहीं सह सकता। हाँ, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम गाय को छोड़ना नहीं चाहते। अरे ये सब छोड़िए बाबा, आप मुझे फिर से पूरा इंसान बना दीजिए। तुझे अपनी गाय लौटा दी फिर भी तुझे खुशी नहीं हो रही है? हाँ? मैं क्या बोलूं बाबा, मुझे इंजेक्शन देकर बहुत ज्यादा दूध निकाल रही है। इस दर्द को मैं और नहीं सह सकता बाबा। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरी लक्ष्मी कितना दर्द सहती होगी। उसी दर्द से वो मर गई। मेरी लक्ष्मी, मुझे आप इंसान बना दीजिए बाबा, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा ही फल मिलेगा। अब तो खुश हो ना? खुश हो गया साधु बाबा, बस मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई, सिर्फ इसी बात का दुख है। दुखी मत होना, अब तू जा और इंसान बनकर घर पे जा। तू घर जाएगा तो तुझे अपनी गाय भी मिल जाएगी, ठीक है? जा, तेरा सब कुछ मंगल हो। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? अम्बा। अरे तुम लक्ष्मी बन गई क्या? देखो देखो, मैं तो पूरा इंसान बन गया हूँ। अम्बा। लक्ष्मी तुम वापस आ गई? भाग्यवान देखो देखो, मेरी लक्ष्मी भी वापस आ गई। कितनी खुशी का दिन है आज। ये क्या? जैसा कर वैसा ही फल। इतने दिन तुम मुझे इंजेक्शन देकर दूध निकाल रही थी ना, अब मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाकर दूध निकालूंगा और दूध बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा।